चले आपने कर दिया, बट आप विड्रॉल नहीं मांगते कि जी तुम पहले बताओ कि आर यू गोइंग टू विड्रॉ दिस एफिलिएशन और आर यू गोइंग टू स्टिक टू योर एफिलिएशन, बिकॉज फॉर एटलीस्ट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू ऑल ऑफ दैट देन शोइंग अस हिज ओरिजिनल फॉर्म एंड शोइंग अस हिज स्टेटमेंट्स आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि आपने तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा ना उस फॉर्म ए की अब क्या हैसियत है जिस पर उसने एफिडेविट दिया. May I refer to page 233 in just an endeavor to perhaps answer which in 233 of my concise statement, your concise that statement. Part 1, part 2, uska number to part 2 of CMA 5840. Okay, page 233. सिंपल बात पूछ रहे हैं. सिंपल बात ये है कि ये एग्रीमेंट पार्टी और कैंडिडेट के बीच में होता है कि वो इंडिपेंडेंट होगा या पार्टी एफिलेटेड होगी. पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपको कानून के किस शिक के तहत ये इख्तियार हासिल है कि आप किसी को डिक्लेयर कर दें कि यू आर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू आर इंडिपेंडेंट नंबर वन. दूसरा मतलब 67(3) में आपने सोचा ना. आई टेक इट माय क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी सिकंदर साहब. आई टेक इट दैट माय क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी आंसर्ड एंड डजंट रिक्वायर एन आंसर. सिकंदर साहब ये तो बिकॉज़ दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव आस्क्ड. देखिए पेज 233 बता रहे थे आप उनके क्वेश्चन के. 218 से मैं शुरू करूं लेडीज. यानी आप जो भी शुरू करें नहीं उनकी पोजीशन के क्वेश्चन का जवाब. मिस्टर सिकंदर लेट मी सॉल्व दिस डिस्कशन. आपका पोजीशन ये है ना कि 67(3) में बाइनरी इफेक्ट से मैं 67(3) पे बाइनरी लेंथ से देख रहे हैं सर, ये है या इधर है. बिल्कुल. और बस वो नहीं था तो ये हो गया, क्योंकि सिंबल नहीं था तो आपने समझा इंडिपेंडेंट. आई डू बस फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ. सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं आया कि वो आपने जब ये सोचा सारा कुछ कब सोचा. ठीक है जी. I'll ask the director general. Was there ever a meeting? Because I want to know how the constitutional body of Election Commission of Pakistan works on such a big decision. Can I just show the letter on page 233, which has sometimes been. Yes, Sikandar Saab. Sorry, before going to that letter, sir, is this understanding correct that a major political party was excluded from the election process merely because the Election Commission of Pakistan grossly misinterpreted the judgment of this court? My lord, is that understanding correct? No, my lord, with utmost respect, my lord, my response is no. Respectfully, so that understanding is not correct. That is not my understanding. Second, your interpretation of that judgment, aap kehte hain wo durust tha. Bilkul ji. So when the bench itself is telling you that your interpretation was wrong. Right now, my lord, that those are observations. There is no judgment which has been issued. And there is a review pending against that judgment. And there is a factual. There is a factual issue. Pehle zara factual pe aa jaye. आपने जो लिस्ट दी है ये टेबल जी आपकी सारी बातें हम मान लेते हैं. ठीक है. इसमें 6 ऐसे हैं जिनने डिक्लेरेशन भी दी है और सर्टिफिकेट भी दी है. बिल्कुल. और उनने कोई एप्लीकेशन नहीं दी. बिल्कुल. 3 ऐसे हैं जिनने डिक्लेरेशन भी दी और सर्टिफिकेट भी दिया है. 7 आपने कहा है. 235 में सीरियल नंबर 2 जी 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 ये बाद में मुझे इसका जवाब देना. सीरियल नंबर 2 दिस इज अमजद अली खान एंड देन देयर इज सीरियल नंबर 11 असद कैसर एंड सीरियल नंबर 12 शाहराम खान. बिल्कुल. ये सिर्फ बताएं जो आपने टिक मार्क किया इज इट ओरल और इज इट रिटन. जहां पे मैंने टिक मार्क किया है देयर इज अ रिटन लेटर फ्रॉम देम अलोंग दिस इज व्हाट आई वांट टू आंसर एट सिमिलर टू पेज 233. एक ये प्लीज सर देख लें. नहीं, मैं ये लेटर है. देखिए 233 को मैं इसलिए नहीं देखूंगा क्योंकि उनके दोनों चीजें नहीं है. लॉ मैंडेट्स दैट दे शुड हैव अ डिक्लेरेशन सीएमए कम एंड आई विल शो द लेटर टू माय लॉर्ड. द लॉ मैंडेट्स डिक्लेरेशन एंड
एंड सर्टिफिकेट दैट्स राइट तो वो है छह सर आई एम विद यू कंप्लीटली आई एम विद माय लॉर्ड कंप्लीटली एंड उसका द शॉर्ट द आंसर इज जहां पे टिक हुआ है वहां पे मेरे पास राइटिंग में उससे कैंडिडेट का साइन लेटर है एक चीज चले नाउ वी आर इनटू द सिक्स हम तीन को भी छोड़ देते हैं आपने रिटर्न दे दिया ये जो छह हैं इन छह का वोट आपने काउंट किया व्हेन यू वर गिविंग रिजर्व सीट्स नो Because they came as independents, they went. ठीक वो दूसरी बात. So it's a matter that these six, all 81 of these, I'm sorry. और 81 को छोड़ दें हम आपके साथ हैं ना. हम इन छह पे आ जाते हैं जिनने declaration भी दी, certificate भी दिया और उनने withdraw नहीं किया. आपने उनको independent किया और उनके vote को शामिल नहीं किया. That's right. But बिल्कुल. My lord, that is absolutely fact. केंद्र साहब आपका जो chart है, इसका जो column number 1, 2, 3, 4, 5. मैं अपनी formulations, sir at Last night when I went back, I realized that I have not been able to even finish reading my formulations. Can I just first finish that so, and in, yes, in the objective so. Of moving on? Kendra sahab, ye chart jo aapne diya hai, sir, iske andar abhi jo refer kara gaya tha, ki nomination form sir. Given in declaration on oath, is column mein jo blank hai, वो 33 हैं, पीटीआई के 32 हैं, पीटीएन के 4 हैं और इंडिपेंडेंट 7 हैं और जो के उन्होंने कहा है कि अप्लाई फॉर सिंबल वो 3 हैं, ये टोटल 75 आउट ऑफ 81 होते हैं। okay, इसके बराबर में जो कॉलम है वो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी एफिलिएशन अंडर सेक्शन 66 जी। इसमें पीटीआई के जो सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं वो 11 हैं और पीटीआईएन के 14 हैं और दोनों के मुश्तरका जो पीटीआई और पीटीआईएन के हैं वो 3 हैं जी दो सर माय लॉर्ड्स प्लीज एंड लेडीशिप नोट दैट टू कैंडिडेट्स सबमिटेड टू टिकट्स जी जी 31 yes. कैंडिडेट जो हैं वो पीटीआई के उन्होंने डिक्लेरेशन दिया हुआ है और 11 ने सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है इसी तरह से जो ब्लैंक है वो 33 है जिसने कोई पार्टी एफिलिएशन शो नहीं किया दी नहीं दी है ब्लैंक इस तरह के केसेस हैं नंबर जो इसके अंदर आउट ऑफ ये सिर्फ 75 की मैंने कैलकुलेशन की है 81 सिक्स मिसिंग होंगे इसके अंदर माय लॉर्ड दिस इज द पोजीशन आई स्टैंड बाय दिस टेबल बिकॉज़ ये मैंने इसका मतलब ये देख के बनाया इसका मतलब ये हुआ कि ये कंफ्यूजन जो पैदा की ये कैंडिडेट्स ने खुद पैदा की सर मैं तो यही कह रहा हूं प्लीज अलाउ मी टू आई विल नॉट अभी तक नहीं बाय सेइंग दिस आई विल ओपन समथिंग एल्स मे आई प्लीज जस्ट फिनिश रीडिंग माय फॉर्मुलेशन So you're not going to answer my question. Ladyship, I want to know without a withdrawal, what is the effect of that affidavit? My submission on that is that either the withdrawal was in writing or the candidate The withdrawal went to in writings are all based on if it's not this, it's that. There is no, unless you'll show us, chalein, ek do honge categoric withdrawals. Categoric ek do hai na, but by and large, so ek hi kisam ka aapke paas format aa raha hai. उस फॉर्म ए को हम क्या करेंगे हाउ डू वी ट्रीट दैट फॉर्म ए लेडीशिप एंड नाउ कैन आई फिनिश माय आंसर जी आई आंसर माय लॉर्ड लेडीशिप माय आंसर इज द सेम एज फार एज विथड्रॉल इज कंसर्न देर आर दैट्स व्हाई आई थिंक इट इज नेसेसरी फॉर द होल बेंच मैंने आपसे लीगली पूछा है ना जी लीगली इतनी सिंपल सिर्फ स्पेस दे दें कि आई कम टू द पंच लाइन I just want to reach my punchline. Right, come to your punchline. Just the punchline. For whatever it's worth, my punchline. Thank you, leadership. It looks like you've been at the Shakespearean Theatre earlier. And I like the antics and all that. I can hold my... No, go ahead. Sir, this is... It's pretty theatrical. Take it as a compliment. Yeah. Okay, great. leadership, all... Either there are express written withdrawals and formal requests... by the candidate himself that he wishes to seek and seeks for allotment of a symbol and to become an independent. Those written applications are, some of them have ifs and buts in them, leadership, and some of them don't. Like the one at page 333 says, I submitted this in good faith, now I wish to withdraw it. Some of them say it depends on what happens in the court. And there's ifs and buts in them. So these are the written ones, leadership. The ones jahan pe tick nahi laga hua, my instructions are that those there was also formal withdrawal by the candidate himself who went to the RO
and made this statement, and as a result of that, his name appears in the Form 33 as an independent. Secondly, all of these candidates, I haven't heard any submission, and I stand subject to correction, in which the appellants have taken this position that we are actually PTI candidates, even though Form 33 says that we contested as independents, even though we could have only joined SIC in 3 days if we were independents. So I take that last action of theirs, because they are now seeking reserve seats because they are independents who joined SIC. This is their case. It's not my case. And ladyship, I'm still in the midst of my punchline. Abhi tak nahi aaya. No, this is a long punchline, ladyship. It's a very long. So, ladyship, this is their case. It is not the appellant's case. This view, I am humbly and happily assisting the thoughts and the questions that are in the bench's mind, very rightly, on this aspect. But this aspect is not part of the, as Makhdoom Saab said, the case put up, which strictly in the world of 185.3, as a humble and junior ASC, is confined to what they have pleaded and what then they have urged in their legal grounds. This is not a legal ground of the appellates. Secondly, in my humble submission, this position is destructive of the appellate's case. It destroys their case because you have to be an independent to join a political party and so as to be eligible for reserve seats. So if these candidates, still my lord, I'll just come to my lord, still if this position is, let the appellate at least come and elect then. Let him come and elect and say, how do I identify myself? They identify themselves as, let me please finish. They identify themselves as independents because they can't possibly identify themselves as anything else. If they are to be eligible, and I am saying this objectively, if they are to be eligible for reserve seats, they can't possibly go into this theory. It destroys their claim. Then I have a very simple defense. Apan ki fikar na kare. Let's not interrupt. Let's finish. They cannot possibly claim to be independents who have joined a political party and on the basis thereof they seek reserve seats, and at the same time take this completely bizarre position, with utmost respect, that somehow based on a half of my declaration, it boggles my mind. As a lawyer, I'm saying it boggles my mind how these two are not mutually exclusive and destructive of each other, this position. And in my notes, I have no argument from the appellates on this. This is a position which, rightly so, has been identified. It's an anomaly, I will even say that, by the bench. But this is not their case. I'm not their counsel. But in my humble view, they can't possibly take this position. Yeah. But I simply asked you, Mr. Sikandar, I asked you a simple question. Are they independents or are they not? उसका एक नतीजा क्या हुआ?
कि अपेलेंट नंबर टू हु इज द चेयरमैन ऑफ SIC, आपने उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. जब वो सुने, प्लीज सुने, जब वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गया आपके कहने पे वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गया, उसे कहा चलो भाई ECP ने मुझे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है, अब उस 3-day पीरियड में मैं अपनी पार्टी ज्वाइन करता हूँ. 2 दिन पहले आप उस पर हंस रहे हैं कि ये किस तरह हो सकता है. भाई ये नॉर्मली which seems absurd on the face of it, aapne create ki, aapne usko independent kaha, uski buniyad pe usne election lada, logically following from that he said I'm joining my own party. aap keh rahe ji kis tarah ho sakta hai, ye to normally explain kaise, because I was permission, please go ahead, have the whole bottle, I'll be a different person, have the whole bottle.